इस संसार में हजारों मार्ग हैं, हजारों पंथ हैं, बहुत मजहब है। कोई संत किसी रास्ते से पहुंचा, कोई किसी रास्ते से पहुंचा, कोई शिव के मार्ग से पहुंचा, कोई कृष्ण के मार्ग से पहुंचा, कोई राम के मार्ग से पहुंचा, कोई और ऊपर के जो लोक हैं उनकी साधनाएं की, किसी ने स्वयं की साधना की, किसी ने आत्मा की साधना की, किसी ने माँ जगदम्बा की साधना की, अनेकों अनेकों प्रकार से लोग साधनाएं करते हैं, सबने अपने अपने तरीके से साधनाएं की। कुछ लोग सेव वाले हैं वैष्णव को मूर्ख मानते हैं, वैष्णव वाले सेव को मूर्ख मानते हैं, और जो देवी की साधना करने वाले इन दोनों को मूर्ख मानते हैं, और जो कबीरपंथी हैं वो इन सब को मूर्ख मानते हैं। साधना करने वाला कोई भी मूर्ख होता ही नहीं, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, कैसी भी साधना करता हो, यानी वो कुछ तो कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बैठ गया है, ऐसा नहीं है, उसने कुछ तो प्रयास किया है, कुछ तो मेहनत की, एक कदम तो चलने की सोची। इस जन्म में कामयाब नहीं होगा, अगले में हो जाएगा, अगले में नहीं होगा, अगले में हो जाएगा। अगर नींव रख दी जाए तो उसके ऊपर फिर मकान बिल्डिंगें बनना शुरू हो जाती, अगर उसकी हम नींव ही ना रखें तो आगे कैसे बढ़ोगे। एक दूसरे से लड़ते रहो, झगड़ते रहो, आपस में तर्क वितर्क करते रहो, कमियां ढूंढते रहो, साधना कुछ करो नहीं। मेरा पंथ बड़ा, मेरा मजहब बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, उसका धर्म छोटा, इस तरह से करके आप अपना टाइम खराब करते हो। और जो साधना में जो समय की कीमत होती है वो इतनी होती है कि एक एक पल जीवन का, एक एक सांस, देखो एक सांस में कितना समय लगता है, उसका भी अनंत अनंत महत्व होता है। तो ये जितने भी मार्ग हैं ये मंजिल नहीं है, पर सबसे पहले तो आप ये समझो ये मंजिल नहीं है, मंजिल आप हो, स्वयं हो, आपको अपनी खोज करनी है, और ये रास्ता है। रास्ते में आपको ब्रह्मा जी भी मिल जाएंगे, विष्णु जी भी मिल जाएंगे, शिव भी मिल जाएंगे, श्री राम भी मिल जाएंगे, आदि शक्ति माँ भवानी भी मिल जाएगी, कबीर भी बैठे मिल जाएंगे, कृष्ण जी भी मिल जाएंगे, और भी बहुत से लोग, मैंने वर्णन पहले भी सब लोगों का किया था, मिलते चले जाएंगे। हमें किसी भी लोक में रुकना नहीं, बिना मंजिल प्राप्त किए, बिना वहां पहुंचे। अगर आप शिव की साधना करते हैं, शिव की साधना करते हैं, तो आपको शिव के ऊपर नहीं रुकना है। अगर आप विष्णु जी की साधना करते हैं, वैष्णव हैं, तो उसके ऊपर भी नहीं रुकना है। अगर आप बुद्ध को जानने वाले हैं तो वहां भी नहीं रुकना है। अगर आप मोहम्मद को जानने वाले हैं वहां भी नहीं रुकना है, कहीं नहीं रुकना है। अगर आप रुके तो आपकी साधना अधूरी रह जाएगी, यह बात आप लिख लेना अच्छे से। चाहे कोई गुरु कुछ भी बोले, चाहे समझाने वाले कुछ भी बोले, ये आपकी मंजिल नहीं है, ये आपका लक्ष्य नहीं है। आपका जो लक्ष्य है वो जीवन मुक्ति है,
उस परमात्मा की प्राप्ति है, उस अनंत की खोज है, अपनी आत्मा का अनुभव करना है, समय तक पहुंच जाना है। अगर आप इन लोकों में रहे तो आप समय को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि आप किसी भी लोक में निवास करो, वहां आप पूर्ण नहीं हो। जितने भी लोक हैं, जितने भी लोकों के नाम हैं, सबके सब लोक कभी ना हजारों वर्षों बाद, करोड़ों वर्षों बाद, अरबों वर्षों बाद, खरबों वर्षों बाद, कभी ना कभी पद्मों वर्ष बाद समाप्त हो जाएंगे, निश्चित है। फिर आप कहां जाओगे, किसकी साधना करोगे? सारी सृष्टि नई आएगी, नए देवता आएंगे, नए ब्रह्मा विष्णु महेश आएंगे, आप कहां भागोगे? कैसे बचोगे सृष्टि चक्र से? कहां मुक्त हुए? अरे कहां सो रहे हो आप? थोड़े से जागो, थोड़े से होश में आओ। किसके लिए लड़ रहे हो? जहां पहुंच करके आप जीवन मुक्त नहीं हो सकते, वहां जाने का, वहां रुकने का अक्षणिक लाभ होगा। हो सकता है आपको करोड़ों वर्षों तक खुशी मिलती रहे, आनंद मिलता रहे, लेकिन वो समाप्त हो जाने वाला आनंद है, वो परमानेंट नहीं है। आप परमानेंट की खोज कीजिए, आप अपनी आत्मा की खोज कीजिए, आप उस ब्रह्म की खोज कीजिए, आप उस तत्व की खोज कीजिए, जिस जहां जाने के बाद, जिसको पाने के बाद, जहां एकाकार होने के बाद वापस नहीं आना पड़ता, और आप ऊपर बैठ करके देख पाएंगे कौन से लोक की क्या स्थिति है, कौन सा देव कहां विराजमान है, वो सब के सब उसके एक के इशारे के ऊपर नाचते रहते हैं। ये सब नाचते रहते हैं जिनके आपने नाम सुने हैं सब के सब, लेकिन जहां आप पहुंचोगे वहां आप अपने आप को ही पाओगे, वहां दूसरा कोई नहीं होगा, कोई भी आसपास नहीं होगा, बस एक ही होगा, दो भी नहीं होंगे कि आप और परमात्मा, नहीं, एक ही होगा, और एक ही से शुरू हुआ था, और एक ही में जब तक नहीं मिल जाएगा आपको जीवन मुक्त नहीं हो सकता।